लमन लाज समाधि और सुमरत हरि सांप गति बाधि। आपके जीवन की जितनी भी बाधाएं हैं आप भगवान को स्मरण करो, सारी बाधाएं अपने आप मिट जाएंगी। भागवत में कहते हैं हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षण, भगवान की स्मृति आपको सारी आपत्ति छुटकारा दिला देती है। इसलिए भगवत भजन कर। तो नारद जी महाराज भजन में बैठ गए और इतना अकाट्य भजन किया, इतना दुर्गण भजन किया, इतना अपार भजन किया कि इंद्र का इंद्रासन डोलने लगा। इंद्रासन को लगा कि शायद नारद जी इतनी कठोर तपस्या इसीलिए कर रहे हैं कि वो इंद्र बनना चाहते हैं। अगर हमारी कुर्सी चली गई तो फिर हमारा फिर मामला कैसे रहेगा, कोठी बंगला सब चला जाएगा। इसलिए अपनी कुर्सी को बचाने के लिए इंद्र ने कामदेव को बुला करके भेज दिया कि बाबा जी का भजन सब खत्म करो। और नारद जी जब जाने लगे तो कामदेव ने इंद्र ने ये कहा कि आप मेरी अप्सराओं को भी ले जाओ, बाबा का भजन बंद करो। तुम शकल असमसर कला प्रवीणा रंबाधिक सुर नारी नवीना, सकल असमसर कला प्रवीणा करहि गान बहुतान तरंगा और बहुविध क्रीड़े पानी पतंगा। अप्सराओं का राग रागनियों के साथ में भजन होने लगा। वसंत की बहारें आने लगी, कोयल कूज उठी, वृक्षों में फूल खिले उठे। काम ने सकल कला कर कोट विधि हारू सैन समेत, करोड़ों विधि से उसने उपाय कर लिए कि नारद जी की समाधि हिल जाए। लेकिन क्या बात थी, जब उनकी समाधि को नहीं हिला सका। अब ध्यान देना आगे क्या हुआ। कामदेव ने देखा कि इतनी अप्सराओं के नाच गाने कराने के बावजूद भी, नहीं तो बड़ा मुश्किल होता है, बाबा बाबा भगो बिलई या झपटी, बाबा बाबा भगो बिलई या झपटी, बाबा बाबा भगो बिलई या झपटी, ओ बाबा बाबा भगो बिलई या झपटी। शिव को झपटिया ब्रह्मा को झपटी, नारद को लगाए दई पटकी, ओ बाबा बाबा भगो बिलैया झपटी, बाबा भगो बिलैया झपटी। ये बिलैया क्या है, यही माया है, भाग लो इससे। इसने ब्रह्मा जी को नहीं भूला छोड़ा और नारद जी को लगाए दई, नारद जी को भी पटकी लगा दी। लेकिन बाल बांका नहीं हुआ मेरा, सीम की चाप सकें को उतासू, रखवारे रमापति जासू, रमापति जासू, सीम की चाप सके को तासू। मतलब ये हुआ कि उसका कोई बाल बांका भी नहीं कर सकता, जिसका रखवाला खुद राम हो उसका भला कोई क्या कर सकता। नारद जी का कुछ भी नहीं हुआ। और तब कामदेव ने देखा कि इनकी समाधि नहीं, तो मुझे क्या करना चाहिए।
नारद जी कामदेव ने सोचा कि जिसकी समाधि अप्सराओं के नृत्य और विहार करने के बारे में भी नहीं खुली उसको एक ही तरीके से गिराया जा सकता है। इनकी प्रशंसा करो, इनका अभिमान बढ़ाओ, और प्रशंसा करने से व्यक्ति का अभिमान बढ़ता है। तो कामदेव ने कहा कि धन्य है महाराज नारद जी, आप जैसा कोई महात्मा धरती में हुआ ही नहीं। महाराज एक बार मैं शंकर जी के भी पास गया था, शंकर जी ने काम को तो जीत लिया था लेकिन शंकर जी क्रोध को नहीं जीत पाए, और क्रोध में आकर के उन्होंने काम को जला करके भस्म कर दिया। लेकिन नारद जी आप तो उससे भी आगे निकल गए, शंकर जी से भी आगे, आपने काम को भी जला, काम को भी आपने जीत लिया, और आप भी चाहते तो सांप दे देते मुझे और मैं नष्ट हो जाता, लेकिन आपने शंकर जी की तरह कुपित होकर के श्राप भी नहीं दिया, तो आपने काम को भी जीत लिया, आपने क्रोध को भी जीत लिया। नारद जी ने कहा श्रीमान जी आप भूल रहे हैं कि मैंने लोभ को भी जीत लिया, अगर मैं चाहता तो इंद्र के सिंहासन पर बैठ सकता था, लेकिन सूखे हाड़ ले भाग सत श्वान निरख मृग राज और छीन ले जन जान जड़ तुम सुरपति ही न ला। नारद जी ने कहा कि इंद्र कामदेव इंद्र को जाकर के कह देना कि एक काम इंद्र तेरी प्रवृत्ति तेरी आदत कुत्तों की तरह है। नारद जी ने कामदेव से कहा कि काम इंद्र ने भेजा ना तुमको हमारे पास, अब तुम इंद्र के पास पहुंचो और इंद्र से जाकर के कह देना कि इंद्र तुम्हारी आदत कुत्तों की तरह है, जैसे कुत्ते हड्डी को ही सर्वस्व मान लेते हैं और किसी मरे हुए मुर्दे की हड्डी को मुख में दबा करके भागते हैं, अगर सामने से शेर आता दिखलाई पड़े तो कुत्ता क्या करता है, सोचता है ये शेर कहीं मेरी हड्डी को ना खुला ले और हड्डी को लेकर के भागता है, उसे ये मालूम नहीं कि शेर तो ताजा रक्त खाता है। अच्छा कुत्ते का अज्ञान ये है कि कुत्ता उस हड्डी को चबाता क्यों है, हड्डी में कुछ मिलता है क्या, पत्थर की तरह होती है, जब वो डाढ़ों के नीचे लेकर के जब हड्डी को दबाता है जोर से तो उसकी डाढ़ें दबती हैं, और डाढ़ों के दबने से क्या होता है, डाढ़ों से रक्त गिरता है उस हड्डी पर, उसी की डाढ़ों का, कुत्ते की डाढ़ें उनको दबाता है तो उन्हीं से रक्त गिरता है और उसी रक्त को वो हड्डी पर चाटता है, और वो सोचता है कि ट्रस्ट हड्डी से आ रहा है। ऐसे दुनिया के जितने भी सुख है ना सब हड्डी की तरह है, सुख हमें हड्डी नहीं देती, ये कोठी बंगला और मकान नहीं देते, ये कोठी बंगला मकान तो एक होटल की तरह है, आपको होटल से सुख मिलता है, मिलता है ना, जितना अच्छा होटल मिलेगा वाह यार मजा आ गया बहुत अच्छा। अब हम तो महाराज क्या बताएं आपको, अमेरिका जैसी जगहों पर जाते हैं एक से एक होटल, वहां पर ठहरते हैं, अब वहां के किम्बरले आदि होटल, महाराज न्यूयॉर्क का सबसे महंगा होटल अशोका और उसमें हम रहे, लेकिन होटल आपको आनंद इसलिए देता है क्योंकि आपने उसका पेमेंट किया है। देखो हम तो पेमेंट करके नहीं रहे थे, नहीं आप सोचो कि महाराज जी बस होटलों में जाकर के ठहरते हैं आनंद करते हैं, हमको तो सबसे पहले 2000 में वर्ल्ड पीस समिट में बुलाया गया था, तो जिन लोगों ने उस कार्यक्रम को समायोजित किया था हम लोगों की व्यवस्था किम्बरले होटल आदि में और सब लोगों की उसमें व्यवस्था की गई थी, इसलिए हम उसमें ठहरे।
तो मैं आपको बता दूं कि होटल आनंद तभी तक देता है जब तक आप पेमेंट करते हो, वो होटल आनंद नहीं देता है। आपकी तपस्या, आपने जो वर्क किया है, काम किया है, उससे वो पैसा आया है और उस पैसे को आपने होटल में भरा है और तब वो होटल आनंद देता है। आप पेमेंट मत दो एक दिन का और फिर आप रुको तो तत्काल आपके पास में वार्निंग आ जाएगी, श्रीमान जी आपका पेमेंट अदा कीजिए नहीं तो गेट का रास्ता ना पिए। और अगर आप फिर भी नहीं गए बाहर तो कर्मचारी आकर के आपके जो जूता साफ कर रहे थे वही आपको निकाल करके बाहर कर देंगे धक्के मार करके। इसलिए सुख जो मिलता है वो तुम्हारी तपस्या देती है, तुम्हारा साधन देता है। रुपए पैसा क्या है? ये तुम्हारी तपस्या का साकार रूप है। तुमने जो कर्म किया है, जो कठिन परिश्रम किया है, उसी का साकार रूप है, उसे तुम दे देते हो। वहां पर आपने एक महीने काम करके 10-20 हजार रुपए कमाए और आपने जाकर के होटल में लगाए, तो मतलब दो महीने की जो आपकी तपस्या थी, जो काम था, वो आपने लगा दिया, उससे आपको सुख मिला। होटल आपको सुख नहीं देता। इसलिए वास्तविक सुख हम जो दुनिया में तलाश रहे हैं वो दुनिया में नहीं है, सुख तो तुम्हारे अंदर में है। मन के हारे हारे हैं, मन के जीते जीते। शरीर कभी नहीं थकता, मन थक जाता है। मैं श्रीमद वृंदावन धाम में था, बचपन की बात है, कलकत्ता के एक माता जी आई तो मैंने उनसे कहा कि माता जी चलो आपको वृंदावन धाम की परिक्रमा करा लाए। हम 13-14 साल के थे। तो उन्होंने पूछा कमलदास जी कितनी बड़ी परिक्रमा? हमने कहा ज्यादा नहीं, बस 5 कोस की है, 12 किलोमीटर है। इतनी दूर? नहीं नहीं नहीं, हम नहीं जा सकते इतनी दूर, हम तो नहीं चलेंगे। और हमसे फिर वो बात करते करते और इधर उधर की चर्चा करते करते परिक्रमा कराएंगे, 12 किलोमीटर उनकी परिक्रमा होगी। पंचकोशी कहते हैं लेकिन उस समय 12 किलोमीटर के लगभग थी। अब वो लौट करके जब आ गए तो पूछी परिक्रमा हो गई? हम कहा यहां पर परिक्रमा खत्म हो गई। और जो ही हमने कहा कि परिक्रमा खत्म हो गई तो मोटी तगड़ी थी, अच्छी खासी, 4 माताएं उनमें बन जाए इतनी थी, सो धम्म से वहीं पर वो गिर पड़ी। अब नहीं चल सकते हम तो थक गए एकदम, बिल्कुल नहीं चल सकते। हमने कहा बस ये यहाँ सड़क तक इतने दूरी पर कमरा आ गया, चलो नहीं नहीं अब यहीं पर रिक्शा बुलाओ, रिक्शे पर बैठ के जाएंगे। हम बिल्कुल थक गए, चल नहीं सकते। और हमने धीरे से कान में कहा माता जी नीचे सांप। और जो ही सांप कहा, माता जी इतनी तेजी से उठ करके भागी कि पूछ, अगर सही में वो थक गई होती तो भाग पाती? बोले हम 1 इंच नहीं चल सकते, लेकिन बिच्छू ने उनको भगा दिया। सच में शरीर नहीं थकता है, हम मन से मान लेते हैं कि हम थक गए। तो जीवन नारद जी महाराज ने उनको समझाया और नारद जी को यह लगा कि सचमुच में मैं शंकर जी से ज्यादा महान हो गया। तो नारद जी महाराज अपनी प्रशंसा सुनाने के लिए भगवान शंकर जी के पास चले गए। शंकर जी ने नहीं पूछा तो नारद जी ने अपनी तरफ से कथा शुरू कर दी, कहा ये देवता लोग भी ना बिना काम के परेशान करते। शंकर जी ने कहा क्या हो गया? अब नारद जी ने जो ही प्रश्न किया तो सुनाना शुरू कर दिया, क्या हो गया? अरे महाराज हम भजन कर रहे थे। नारद जी ने कहा शंकर जी एक बात बताएं, भजन तो आपने भी किया था, भजन हमने भी किया, आपके भी सामने कामदेव आया था, मेरे भी सामने कामदेव आया, लेकिन बाबा भोलेनाथ मैं आपसे कोई कम थोड़ी हूँ, आप ही का चेला हूँ। आपने काम को तो जीत लिया था लेकिन आपने क्रोध को नहीं जीत पाया, क्रोध में आपकी जला दिया, लेकिन महाराज हमने काम को भी जीता और क्रोध को भी जीत लिया। अब बताओ आप हमारे समान कोई बचा? शंकर जी समझ गए कि नारद जी के जीवन में काम का अवतरण हो गया है और ये काम साधना के लिए नष्ट कर देता है, ये क्रोध ये जो अभिमान है नष्ट कर देता है और इस बुराई को जीवन में रखना अच्छा नहीं।
शंकर जी ने बड़ी विनम्रता पूर्वक शंकर जी नारद जी के हाथ जोड़े और हाथ जोड़ करके निवेदन किया कि बारे बारे विनिवा मुनि तो कर दिया कि आप इस प्रसंग को नारायण को मत सुनाइए, लेकिन गौर से सुनिए, शंकर जी इतने हल्के देवता नहीं कि तुमसे ईर्ष्या करने लग जाए, और नारद जी उनके सामने लगते ही क्या है। शंकर जी ने उनके कल्याण के निमित्त बड़ी अच्छी बात कही, हाथ जोड़ करके कहा कि बार बार विनिवा मुनि तो ये, हे महाराज मैं बार बार आपके सामने हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं कि जिम ये चरते सुनायो मो, आपने जिस प्रकार से ये चरित्र, कौन सा चरित्र, कि आपने कैसे कैसे काम देवता मुझे सुनाया है, तिमी जने हारे ही सुनाय कबहू, उस प्रकार से आप कभी भगवान नारायण को मत सुना देना। उच्चल प्रसंग दुराय तबहू, और अगर कदाचित प्रसंग चल ही जाए तो भी आप छुपा लेना। किस चीज को छुपा लेना। नारद जी से देखो, इन चौपाइयों में दो शब्द हैं, उनको गौर से देखो। बार बार विनवाओ मुनि तो ही, जिमि यह कथा सुनायो मोहि। जिमि, जिमि मानी जाने गए आप क्या हुआ। जिमि मानी होते जिस भाषा शैली में आपने ये कथा मुझे सुनाई है, जिस भाषा शैली में। तिमि जने हरे ही सुनायो कबहू, उस भाषा शैली में आप कभी भी नारायण को मत सुना। मतलब नारद जी के कथन में बार बार अभिमान झलक रहा था नारद जी के, इसलिए भगवान शंकर जी ने कहा ये जो बार बार आप, मैं कह रहा हूं मैं इतना तपस्वी हूं, तुम्हारा जो काम की लखने कैसे वाली थी, मैंने काम देखो कुछ नहीं समझा, ऐसे अप्सराएं आई, और महाराज एक अप्सरा तो हमारे सामने ही आकर के नृत्य करने लगी, और वो ऐसा ऐसा राग और ऐसी ऐसी रागनियां गा रही थी, ऐसे मटक रही थी, ऐसे गा रही थी, भगवान शंकर जी नारद जी तो उनके सामने नाच के ही दिखाने लगे कि ऐसे अप्सरा नाच रही थी। भगवान शंकर जी ने कहा क्या गजब मामला है, माया नचाती है। श्री कृष्ण कहते हैं मम माया दुरत्या। शंकर जी ने चिंतन किया, श्री कृष्ण के भगवद गीता का एक श्लोक है, ध्यान से सुनना। ध्याय तो विषयान पुंसा संगस्ते सूप जायते, संगात संजायते कामा कामा क्रोधो विजायते, क्रोधाद भवति सम्मोहात सम्मोहात स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशाद बुद्धिनाशो
बुद्धिना सात्पुनस्यति। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन किसी मनुष्य का पतन कैसे होता है? जब हम बुराइयों का चिंतन करने लग जाते हैं तो जिन बुराइयों का आप चिंतन, अगर आप किसी व्यक्ति की बुराइयों का चिंतन करो, ये बुरा है बुरा है, तो बार बार आप उसकी बुराइयों का चिंतन करोगे तो वो बुराइयां आपके जीवन में उतरेंगी। इसलिए किसी की बुराइयों का भी चिंतन नहीं करना चाहिए। बुरा जो देखन में चला ओ बुरा न मिलिया को, और जो दिल खो जा आप ना तो मुझसे बुरा। ध्यायतो विषयान्, विषयों का जब आप चिंतन करेंगे तो धीरे धीरे वो विषय आपके दिल में उतर आएंगे, और अगर आप फिर उन विषयों को प्राप्त करने की कोशिश करेंगे और जब वो विषय वस्तु आपको प्राप्त नहीं होगी तो आपको अपनी असफलता पर क्रोध आएगा, और क्रोध आने से आपका बुद्धि विवेक नष्ट हो जाएगा और बुद्धि नाशात प्रणश्यति, व्यक्ति पतित हो जाएगा। जब बुद्धि नहीं रह जाती है तो मनुष्य इतने घटिया काम करता है जिससे संपूर्ण संसार में हास्य का पात्र बन जाता है। इसलिए शंकर जी ने चिंतन किया कि नारद जी ने पतन का रास्ता पकड़ लिया है। ध्यान तो विषयान पुंसा, ये चिंतन कर रहे हैं, ये बता रहे हैं कि अप्सराएं कैसे नाच रही थी, ये बता रहे हैं वो क्या गा रही थी। नारद जी कहते हैं, यदि मेरी जगह पर भगवान शिव कोई और होता तो विस्कृत हो जाता, तब तो चिंतन से हट जाता, लेकिन मैं था, कुछ नहीं हुआ मेरा। शंकर जी ने कहा यह पतन का रास्ता पकड़ा है। श्री कृष्ण का ही ये वचन है कि जो इस रास्ते पर चलता है वो पतित हो जाता है। लेकिन उसी भगवत गीता में श्री कृष्ण एक जगह पर कहते हैं, नमे भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी पतन नहीं होता। अब देखते हैं श्री कृष्ण की ये दो बातें हैं कि मेरे भक्त का कहीं पतन नहीं होता, और ये नारद जी पतन के रास्ते पर चल पड़े। देखें अब क्या होता है। शंकर जी ने दो गण उनके साथ में लगा दिए, कहा नारद जी के साथ साथ जाओ। नारद जी ने जो रास्ता पकड़ा है वो पतन का है, इससे ने पतित हो जाना चाहिए, अब आपको बताना है कि वो पतित हुए कि नहीं हुए। और फिर क्या हुआ, शंकर जी महाराज नारद जी के यहां से चले, शंभु बचन मुनिमन नहीं भाए, और तब विरंच के लोक सिधाए। शंकर जी की शिक्षा उनके मन को कतई अच्छी नहीं लगी, और तब वो वहां से ब्रह्मा जी अपने पिताजी के पास चले गए, और शंकर जी ने भी समझाया, ब्रह्मा जी ने भी समझाया, ब्रह्मा जी की भी शिक्षा उन्हें अच्छी लगी नहीं, और किया कि अभिमान प्राणी के बुराई के लिए खत्म करने के लिए बड़ी भयानक चीज है। और नारद जी महाराज वहां से चले तो कहां पहुंचे मालूम, क्षीर सिंधु गविने मुनि नाथा, क्षीर सिंधु गविने मुनि नाथा, जहां वंश श्री निवास, जहां वंश श्री वश श्री निवास श्रुति निवास श्रुति, हर्ष मिले उपी रमान के, हर्ष उठे रमान के, बैठे ऋषि समेत।
और बैकुंठ में जब वो पहुंचे, भगवान नारद जी के लिए नारायण तो किसी भी संत के आगमन पर उठकर के सम्मान करते हैं। सो नारद जी के आगमन की सूचना पाकर के बैकुंठनाथ भगवान नारायण लक्ष्मी जी समेत दरवाजे पर आए कि आइए संत आपका स्वागत है। संत मिलन को चालिए तज ईर्षा अभिमान, और ज्यो ज्यो पग आगे बढ़े तो कोटनी यज्ञ समान। संत से मिलने के लिए हमें अभिमान और ईर्षा का परित्याग करके, वो कहते हो तो उनके पास में वो लोग जाते हैं, अब वो लोग जाते हैं तो हम नहीं जाएंगे, ये भी बड़ा चक्कर है। संतों को भी अपने और पराये में बांट दिया, इसलिए भगवान नारायण भी संत का आदर करते हैं। और भगवान नारायण जी लक्ष्मी जी समेत उनका वेलकम करने के लिए आगे बढ़ करके गए और नारद जी को अंदर लाए। और बड़ी गजब की बात यह है कि नारद जी को पहले भी नारद जी आते थे, लेकिन कभी भी भगवान के सिंहासन पर नहीं बैठते थे। अब मैं गुरु हूं, आप मेरे शिष्य हैं, तो हो सकता है मैं कहूंगा आ जाओ बैठ जाओ मेरे तख्त पर ही बैठ जाओ, लेकिन ये तो शिष्य को सोचना चाहिए कि गुरु जी के बगल में हम बैठे कि नहीं बैठे। बहुत शिष्य सोचते हैं कि चलो अब हम भी कोई कम थोड़ी है, हम भी आगे बढ़ गए, बैठ जाए गुरु जी के बगल। ये तो शिष्य को ही सोचना पड़ेगा क्या करना चाहिए। नारद जी महाराज से भगवान नारायण पहले भी कहा करते थे आइए नारद जी बैठो हमारे सिंहासन पर बैठिए, पर नारद जी भगवान के चरणों में बैठ जाते थे कि प्रभु जी हम तो आपके चरणों की धूल हैं, आपके बगल में कैसे बैठ सकते। लेकिन जब अभिमान आता है तो मर्यादा तोड़ता है अभिमान, और इस प्रकार से भगवान नारायण ने इस बार जब नारद जी से कहा आइए महाराज जी सिंहासन पर बैठिए, तो हरस मिले उठ रमा निकेता और बैठे आसन रस ही समेता। नारद जी उसी सिंहासन पर जाकर के धम्म से बैठ गए, बोले आओ बैठ गए। और नारद जी ने फिर हंसते मिलते सब बातचीत शुरू की कि महाराज क्या है कि सब आपकी बड़ी कृपा है, उससे हमें कोई टच नहीं कर सकता है, नहीं अब महाराज मैं भी कोई पावरफुल हो गया हूं। और क्या लगते किसी की महाराज अब ना भगवान ने जानबूझ के पूछ दिया कि क्या हुआ, क्या वो काम बिना काम के आ गया मेरे पास, पर मैं भी कोई शंकर जी से कम थोड़ी महाराज, मुंह के बल गिरा हमारे सामने आकर, सब आपकी कृपा है। कभी कभी कोई वक्ता लोग और कलाकार लोग आशीर्वाद से आगे बढ़ जाते हैं, अगर उनकी प्रशंसा अरे आप तो बड़ी अच्छी अच्छी सब मान जी आपकी कृपा है, और अंदर ही अंदर सोचेंगे हम कोई इनसे कम थोड़ी, अंदर अंदर सोचेंगे हम कोई इनसे कम थोड़ी, ऊपर महाराज जी सब आप ही की कृपा है, आप ही से सीखे हम। और बाद में तो महाराज बड़ा मुश्किल होता है अभिमान से उतना। तो नारद जी भगवान से कह रहे सब आपकी कृपा है, और भगवान जी ने कहा कि जब आप बोले शंकर जी के ही बराबर हो गए तो हम शंकर जी की स्तुति करते हैं, तो आपकी भी स्तुति कर ले। सो नारद जी ने ऐसे भगवान नारायण ने ऐसे शब्द नारद जी सिखाए जैसे कि स्तुति कर रहे हैं। भगवान नारायण नारद जी से बोले तुम्हारे स्मरत ते मिटही, तुम्हारे स्मरण ते मिटही मोह मार मद मान। हे नारद जी आप तो इतने बड़े महापुरुष हो कि आपके स्मरण करने मात्र से ही मोह मार मानी काम मद मानी अभिमान आपके स्मरण कर लेने मात्र से ही काम क्रोध मद लोभ की निवृत्ति हो जाती है, आप तो इतने बड़े हो संत हो। तो नारद जी ने कहा सब आपकी कृपा है महाराज। उन्होंने भगवान से तो कहा आपकी कृपा है, लेकिन मन ही मन नारद जी कह रहे ये तो मैंने कह दिया, इनकी क्या होती मेरा पुरुषार्थ है। भगवान जी जान गए कि इनके मन में बड़ा अभिमान है। सो भगवान ने देखा कि उर अंकरु गर्भ तरु भारी, इसका अर्थ समझे भगवान नारायण ने सोचा कि इसका मतलब नारद जी की हृदय की खेती पर बहुत भयानक अभिमान पैदा होने जा रहा है।
लेकिन अभी अंकुरित तो हुआ है, जैसे बरगद का वृक्ष अंकुरित तो हो, दो पत्तों को देख के समझ जाओगे कि तो भैया बरगद का वृक्ष है और ये हमारे पूरे मकान को उखाड़ उखड़ के फेंक देगा। सो बचपन ही में आप उखाड़ के निकाल दो तो निकाल दो, लेकिन बाद में तुम्हारे बाप परदादे नहीं उखाड़ पाएंगे। रणभूमि से जीते हुए हाथी भी उसमें बांध दिए जाते हैं, वो उसका हिला नहीं पाते बरगद के वृक्ष को। सो भगवान नारायण ने चिंतन किया कि मेरे भक्त हैं और मुझे ये रोग इनके अंदर में रहना नहीं चाहिए, क्योंकि अभिमान बहुत बड़ा रोग है, इस पेड़ को मैं उखाड़ के फेंक दूंगा। का जब भगवान को अभिमान के पेड़ को उखाड़ के फेंकना था तो प्रशंसा क्यों की? प्रशंसा करने से तो अभिमान और बढ़ता है, और भगवान ने इतनी गजब की प्रशंसा की कि तुम्हारे सुमरण ते मिटे मोह मार मदमान। नारद जी आप तो इतने महिमामय हैं कि आपको स्मरण करने से अज्ञान की निवृत्ति हो जाती है, अभिमान क्यों बढ़ाया? तो देखो, आप जब खेत में बीज बोते हो तो गेहूं धान चना मटर तुलसी जो भी बोते हो, गेहूं आदि को तो आपको बोना पड़ता है, मटर को तो बोना पड़ता है, चने को आपको बोना पड़ता है। लेकिन जब आप वहां जाते हो 10 दिन बाद तो चने भी दिखलाई पड़ते हैं और उनके बीच बीच में तमाम प्रकार की घास भी पैदा हो जाती है, दूसरे पेड़ ज्यादा पैदा हो जाते हैं। सत्कर्मों को जीवन में पैदा करने के लिए व्यक्ति को परिश्रम करना पड़ता है, सत्संग रूपी खाद डालनी पड़ती है, भक्ति के जल से उसे सिंचित करना पड़ता है। भक्ति तरु पौधा ताहे विघ्न डर छेरी हु को, बारे दे विचार बारे सींचो सत्संग। एक जो सदगुरु होता है वो अपने शिष्यों की हृदय रूपी खेती में भक्ति के बीज को बोता है, और वो भक्ति का बीज जब बढ़ता है तो एक डर लगता है। हम लोगों ने देखो यहां कितने पेड़ वेदांत आश्रम में लगाए, लेकिन जब वो पेड़ लगाते हैं तो उसके साथ में ये भी सोच लेते हैं कि इनको बकरियों से कैसे बचाएंगे। भक्तमाल का ये पद है, उसमें लिखते हैं कि भक्ति तरु पौधा ताहे विघ्न डर छेरी हु को, सो बारे दे विचार बारे सींचो सत्संग। पौधे को डर बकरी का रहता है तो बकरी का ही डर होता है क्या? गाय भी तो खाती है, बैल भी तो खाता है, ऊंट भी तो खाते हैं, भैंसे भी तो पेड़ को खाते हैं। फिर भक्तमाल में गोस्वामी नाभा जी ने, श्री प्रियादास जी ने जिन्होंने टीका की है भक्तमाल की, वो लिखते हैं कि भक्ति तरु पौधाता है विघ्न डर छेरी, छेरी शब्द क्यों लिखा, बकरी क्यों लिखा, भैंस गाय बाल बैल क्यों नहीं लिखा? आप कृषि भूमि प्रधान के आप लोग पुत्र हो, आपने देखा होगा खेतों में गाय भैंस बैल आदि जब किसी पेड़ को खाते हैं तो वो पत्ती पत्ती खा लेते हैं, पेड़ बना रहता है। लेकिन बकरी जब किसी वृक्ष को खाती है तो ध्यान से देखना, बकरी जब खाती है तो क्या करती है कि वो अपने लंबे थुतने में पहले पेड़ को भर लेती है और फिर एक झटका मारती है तो जड़ समेत पेड़ उखड़ा चला आता है और फिर डालों के पास में ले जा करके जड़ को काट करके फेंक देती है और पत्तियों को खा लेती है। बकरी जब किसी पेड़ को चरती है तो उसमें फिर कुछ पैदा नहीं होता, उससे समूल नष्ट कर देती है। उसी तरह से तुम्हारे जीवन की जो दूसरी बुराइयां हैं उनसे शायद भक्ति आपकी बच जाएगी, लेकिन जब माया का प्रवेश आपके जीवन में होगा तो ये माया जड़ समेत भक्ति रूपी पौधे को उखाड़ करके फेंक देती है। संस्कृत शब्दकोश में माया का एक पर्यायवाची शब्द है अजा, बकरी, इसलिए इसमें कहा गया भक्ति तरु पौधा ताहे विघ्न डर छेरी हो को, बारे दे विचार बारी सींचो सत्संग। तो इस पौधे को बकरी ना खा सके, पशु ना खा सके, उसके लिए क्या करना चाहिए? का चारों तरफ से बाड़ी लगा दी,
कांटे लगा देते ना चारों तरफ से कि उसमें वो ही नहीं मारे। तो आपके जीवन में जो भक्ति का पौधा लगा है इसमें बाड़ी क्या लगाओगे? क्या इसकी बाड़ी है विचारों की बाड़ी? बारी दे विचार बारी सींचो सत्संग, विचारों की बाड़ी लगाओ। विचार मानी आप वो काम करो, विचार करके करो, क्या बोलें क्या ना बोलें, कहां जाएं कहां ना जाएं, क्या खाएं क्या ना खाएं। सत्संग में सुनते हो कि ये चीज हमें खानी चाहिए, भक्त को ये चीज नहीं खानी चाहिए, तो सदगुरु जिन चीजों को खाने के लिए मैं उन्हें मत खाओ। डॉक्टर भी आपको मना करता है कि ये मत खाओ वो मत खाओ, फिर भी आप गोली भी खाओ और वो भी खाओ। इसलिए सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा, निर्मल मन अहीर निज दासा। सदगुरु में तुम्हारी जितनी श्रद्धा होगी, जितना विश्वास होगा, जितनी निष्ठा होगी, और सदगुरु में तुम्हारा दृढ़ निष्ठा हो, साथ साथ में उसके कहे गए वचनों में विश्वास करो। ये मत कहो कि तो गुरु जी का काम है, कहते रहते। सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा और निर्मल मन अहीर निज दासा। अपने मन को निर्मल बनाओ, क्योंकि तुम्हें भक्ति रूपी गाय को धोना है तो ये मन ही तुम्हारा अहीर है। इस अहीर को अपना सेवक बनाओ, अहीर निज दासा, निर्मल मन अहीर निज दासा। तो बारी दे विचार, बाड़ी लगाओ पेड़ों की चारों तरफ, और विचारों की बाड़ी, क्या खाएं क्या ना खाएं, कहां जाएं क्या ना जाएं, क्या बोलें क्या ना बोलें। जीवन को सजा लो, और जीवन का जो श्रृंगार होता है ना, वो बाहर के कपड़ों से नहीं होता है, सोने चांदी से नहीं होता है। तुम्हारे जो संस्कार हैं, तुम्हारे जो अच्छे आचरण हैं, वो ही तुम्हारा श्रृंगार है। भक्तमाल में लिखते हैं कि भक्ति महारानी को श्रृंगार उच्चारू बिरा चाहे। भक्ति महारानी का श्रृंगार क्या है? मानसी सुनत। ठाकुर जी की जो मानसी सेवा है वो सुनत है, अंग अंगन नहाई। साधु सेवा कर्ण फूल, महिलाएं कानों में वो फूल लगाती है ना कुंडल, ये क्या है? का संतों की सेवा ही कर्ण फूल है। ऐसा जीवन का श्रृंगार, जीवन को सजाओ। और ये श्रृंगार जिस दिन तुम धारण आज कर लोगे ना, उसी दिन ठाकुर जी तुमसे आकर के कह देंगे आई लव यू, मैं तुमसे प्रेम करता हूं। ठाकुर जी के इस परम प्रेम में सत्य को प्राप्त करने के लिए कोशिश करो। दुनिया के बीच में क्या जाना, दुनिया में तो धोखेबाज लोग। इफ यू विल गिव योर हार्ट सम अदर्स पर्सन दे विल ब्रेक यू। अगर अपने दिल को किसी और के दोगे वो तोड़ डालेगा तुम्हारे दिल को। अगर इस दिल को देना ही है तो ईश्वर को दो, हरदम हरदम के लिए तुम्हारा दिल सेफ हो जाएगा और भगवान के हाथों में सुरक्षित रहेगा। मीरा का जीवन इस कलयुग में हजारों 500 वर्ष हो गए, कोई मिटा पाया? आज भी मीरा का वो प्रेम अचल और अमर है। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरी गुनी गाने लगी। मीरा रानी दीवानी कहाँ लगी, ऐसी लगी लगन
मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी, मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी। बैठी संतों के संग रंगी मोहन के रंग, बैठी संतों के संग रंगी मोहन के रंग। वो तो गली गली हरी गुनी गाने लगी, वो तो गली गली हरी परिवार की मीरा राणा का उसने परित्याग कर दिया, अपने गोपाल के रंग में मीरा रंग गई। और ये बात कोई त्रेता और द्वापर की नहीं है सज्जनों, एक कलयुग की बात है। 21 वर्ष की मीरा ने अपने घर और परिवार को ऐसे नहीं त्यागा था, जग ने उसको जहर का प्याला दे दिया और उस जहर के प्याला को पीने के बाद में भी मीरा जिंदा है। दुनिया के किसी कोने में अगर कोई जहर पीता है तो मर जाता है, लेकिन भक्ति के इतिहास में जिसने भी जहर पिया वो अमर हो गया। मीरा ने बावजूद भी जो भगवत भक्ति से विरत नहीं होते जीवन उनका धन हो जाता है। नारद जी के जीवन में अभिमान आया, तरु जब पैदा होता है
दो पोपड़े पैदा होती हैं, अभी जो पैदा ही हुआ है थोड़े थोड़े से अंकुर निकले हैं। आपको मालूम है जब दो कोपड़े होती है ना तो जो बीज था ना वो बीज उनको पकड़े रहता है, ऐसे दो पत्तों के ऊपर में वो बीज का जो छिलका होता है ना वो ऊपर आ जाता है। ऐसा पत्ते को उखाड़ने की कोशिश करोगे तो क्या होगा, उसकी जड़ टूट जाएगी, पत्ते टूट जाएंगे, आप उखाड़ नहीं पाओगे। इसलिए भगवान जी ने प्रशंसा की तो आप पहले ही दिन उन कोपड़ों को नहीं उखाड़ते हो, हरियाली को, वृक्षों के अंदर के जो दूसरे पेड़ पत्ते रहते हैं खरपतवार, पहले दिन निराते हो क्या? नहीं, कुछ दिन बाद जब वो बड़े हो जाते हैं पकड़ में आ सके उसके बाद में उखाड़ते हो ताकि जड़ समेत। इसलिए भगवान ने उनकी प्रशंसा करके पौधे को थोड़ा आगे बढ़ाया ताकि बाद में उसे पकड़ करके उखाड़ के फेंक सके। और बाद में नारद जी महाराज ने प्रणाम करके चल दिए और उनके अभिमान का निरूपण करने के लिए, हटाने के लिए भगवान ने एक दिव्य लीला का सृजन किया, एक नए नगर की रचना की, श्रीनिवासपुर से अधिक शोभा विविध प्रकार बिरचहु मगमहु नगर एक सत योजन विस्तार। एक इतने बड़े नगर, एक सिटी को उन्होंने बनाया जो 100 योजन, दिल्ली भी नहीं है 100 योजन की, 400 कोस और 400 योजन, एक योजन में 4 कोस और 4 कोस में कितने किलोमीटर, 12 किलोमीटर, 1200, इतनी किलोमीटर की अभी अपनी दिल्ली भी नहीं, इतना बड़ा नगर बनाया श्रीनिवासपुर से अधिक। और बसें तहां सुंदर नरनारी, जन बहु रति मनसिज तनुधारी। नारद जी महाराज एक ऐसे नगर में फंस गए जहां का हर एक नरनारी, हर एक मनुष्य काम का रूप था और हर एक नारी रति का रूप धारण किए हुए। नारद जी का बड़े गजब की बात है, इस सृष्टि में मैंने चप्पा चप्पा देखा है और ये इतना बड़ा शहर मैंने नहीं देखा, पहली बार मैं यहां पर आ रहा हूं। नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, नारद जी भगवान ने तो उसे माया से बनाया। तो जो लोग मिले नारद जी ने उनसे पूछा, भाई यहां का राजा कौन है? क्योंकि दुनिया के जितने भी बड़े बड़े शहर हैं वहां के जितने भी राजा हैं वो सब हमारे चेला हैं और यही का राजा हमको नहीं जानता, जाकर के सूचित करो कि महर्षि नारद जी आए। तुम्हारा वहां के जो राजा थे शील निधि वो आकर के मिले और नारद जी का स्वागत, रिस्पेक्ट, सम्मान किया कि महाराज भले ही हम आपके चेला नहीं पर आप हमारे गुरु हैं, आइए बिराजे। और कहा महाराज हमारी एक बेटी है और उसका स्वयंवर करना चाहते हैं, उसका जरा हाथ देख लो आप। और भगवान की जो सगी माया है, अपनी माया विष्णोर माया भगवती यया सम्मोहितम जगत, जिसने त्रिलोक को अपने चक्कर में घुमा रखा है, वो खुद ही आज राजकुमारी बनकर के खड़ी हुई है। माया जो माया सब जगह नचावा, जास मरम लख काऊ न पावा, वो माया कन्या बनकर के खड़ी हुई है, पूछो क्या होने वाला है। नारद जी ने उसका हाथ देखा तो लक्षण तास बिलोक भुलाने, उसके लक्षणों को देख करके नारद जी भुला गए, किसको, अपने आप को भूल गए। हे भगवान, इतनी सुंदर कन्या तो मैंने कभी देखी नहीं। अब उसके हाथ में जो लक्षण लिखे हुए थे नारद जी ने सब उल्टे के पुलटे पढ़े। इस कथा में यह बताया गया है कि जब तुम्हारे जीवन में अभिमान आता है तो जितने भी सद्गुण हैं वो नष्ट हो जाते हैं। संत के पास में 5 चीजें होती हैं, 4 चीजें, मति, कीरति, गति, भूति और भलाई, 5 चीजें। नारद जी के पास में 5ों थी और आज सब चले गए एक एक करके। नारद जी ने जब उसको देखा, हाथ पढ़ा, नारद जी ने भगवान राम और कृष्ण के भी हाथ को पकड़ा है, गौरी और सीता जी के भी हाथ को देखा है, लेकिन उनकी कभी भी वाणी असत्य नहीं हुई और नारद जी ने कभी गलत भविष्य नहीं पढ़ा। लेकिन आज जब अभिमान में डूब करके जिस कन्या का हाथ उन्होंने पकड़ा तो सब उल्टा पुल्टा पड़ा।
कन्या के हाथ में लिखा हुआ था कि जो इसका जिसके साथ में स्वयंवर होगा, इस लड़की का वर वो होगा जो अमर होगा। जो ये ही वर अमर सोई हो ये कन्या जिसको वरण करेगी वो अमर होगा। लेकिन नारद जी ने क्या पढ़ा? नारद जी ने यह पढ़ा कि कन्या का जिसके साथ में विवाह हो जाएगा वो अमर हो जाएगा। समझ में आई आपको बात? लिखा तो ये था कि जो अमर होगा वो ही इसका पति होगा, मरने वाला इसका पति होगा ही नहीं। लेकिन उन्होंने ये सोचा कि कन्या जिससे विवाह कर लेगी, इस कन्या में विशेषता है कि वो अमर हो जाएगा। उल्टा पड़ गया। कन्या के हाथ में लिखा हुआ था जिसे रणभूमि में कोई जीत नहीं सकता, अपराजेय होगा, वो इसका पति होगा। लेकिन नारद जी ने यह पढ़ा कि कन्या जिसके साथ में विवाह कर लेगी वो अपराजित हो जाएगा, उसे फिर कोई जीत नहीं पाएगा। कन्या के हाथ में लिखा हुआ था संपूर्ण दुनिया के चर अचर समस्त प्राणी जिसकी पूजा करते होंगे वो इसका पति होगा। पर नारद जी ने यह पढ़ा कि जिसके साथ में इसका विवाह हो जाएगा उसे सारी दुनिया के लोग चर अचर समस्त प्राणी विवाह करने लग जाएंगे, पूजा करने लग जाएंगे। तो नारद जी ने सोचा कि वैसे तो मैं शंकर जी से भी ऊंचा हो गया हूं काम को जीत करके, बस यही तीन चीजें हमारे पास में नहीं है। मैं अजर अमर नहीं हूं और दुनिया हमारी पूजा नहीं करती है, मेरे मंदिर नहीं बनाती, और कोई हमें जीत सकता है? हम बाबा जी हैं, लड़ना भड़ना जानते नहीं। अगर इसके साथ में मैं शादी कर लूं तो झूठ मूठ के ही सुदर्शन चक्र रख लूंगा, क्योंकि मुझे कोई जीत तो पाएगा ही नहीं। सो नारद जी ने सोचा मैं ही इसके साथ में शादी कर लूं। अब उन्होंने कहा कहीं मैंने राजा को बता दिया तो राजा पता नहीं किस किस को बताएगा और खट्ट से इसकी शादी हो जाएगी। इसलिए नारद जी ने कहा कि इसके जो वास्तविक लक्षण है ये राजा को भी मत बताओ। नारद जी कभी जीवन में झूठ नहीं बोलते थे, आज पहली बार नारद जी जीवन में झूठ बोले। लक्षण सब विचार उर राखे और कछुक बनाए भूप सन, जो सही लक्षण थे वो हृदय में ही रख लिए और झूठ मूठ बना करके राजा को सुना दिए। और उसके बाद में नारद जी ने सोचा अब जल्दी चलो, स्वयंवर है। स्वयंवर का मतलब क्या होता है? स्वयंवर का मतलब ये होता है कि तुम कन्या को वरण नहीं कर सकते, कन्या अगर तुमको चाहेगी तो तुम्हारे गले में जयमाल डालेगी। और कन्या क्या देखेगी? कन्या देखेगी रूप, सौंदर्य, तो मुझे सुंदर बनना चाहिए। इसलिए नारद जी ने सोचा कि अब मेरा काम सहायता कौन कर सकता है? तुम्हारे जीवन की जो अच्छाइयां होती हैं वो अच्छाइयां ही तुम्हें विपत्ति काल में बचा लेती हैं। नारद जी विवाह करना चाहते हैं माया से, और नारद जी के मन में एक चिंतन आया कि मेरे हित हरिसम नहीं कोई और यही अवसर सहाय सोई हो। मेरे तो हितैषी केवल भगवान नारायण है, उनके अलावा मैं किसी को जानते नहीं, मैं उन्हीं से मिलता हूं। और नारद जी महाराज तत्काल उन्होंने सोचा कि अगर मैं कहीं क्षीर सिंधु गया और लौट के आया तो कहीं ऐसा ना हो कि इसमें हमें 10-15 दिन लग जाए और इतने में शादी हो जाए, कन्या किसी और की हो जाए तो फिर क्या होगा? हुई है जार गह तो अति हुई है जाए गहर अति भाई। इसलिए नारद जी महाराज भगवान तक गए नहीं, वहीं पर भगवान का ध्यान किया। और जो ही नारद जी ने भगवान का ध्यान किया और भगवान प्रकट हुए, प्रगटे प्रभु कौतिकी कृपाला। और भगवान ने प्रसन्न होकर के मुस्कुराते हुए नारद जी से पूछा, कहो महाराज कहां, क्या बात है, कैसे याद किया? कहा मेरे घर में महाराज कोई बड़ा ओकेजन है, कोई बड़ा कार्यक्रम है, आपकी मदद चाहिए। बोले बताओ क्या मदद चाहिए? महाराज हमारे घर में शादी है। बोले घर में घर का साधु, साधु का घर ही नहीं होता, आपका घर कैसे आ गया? कहा नहीं महाराज आप घर बनाने वाले हैं। तो बोले घर तो वो होता है जिसमें गृहिणी हो। बोले अब गृहिणी आने वाली है, इसलिए हम आपकी कुछ मदद मांगने आए। बोले बताओ क्या मदद करें?
यार थोड़ी सी मदद कर देते, कुछ काम कुछ जरूरी थी कुछ चीज की, तो आप हमें दे दो और उसके बाद में ब्रह्माद में आपको लौटा देंगे। बोले बताओ क्या चाहिए आपको। कहा आपका ब्यूटीफुल फेस दे दो हमको, आपका एक सुंदर चेहरा है, आपन रूप देव हो प्रभु मोही, आप अपना रूप मुझे दे दो, आपन रूप देव हो प्रभु मोही। तो भगवान ने कहा कि मेरा रूप जो प्राप्त कर लेता है ना वो फिर किसी के चक्कर में पड़ता ही नहीं, और आप किसी के चक्कर में पड़ने के लिए मेरा रूप मांग रहे हैं आप, ये तो बड़ा मुश्किल काम है। और एक बात बताएं नारद जी कि मेरा रूप कोई ऐसा थोड़ी कि किसी को भी तुम बाजार में दिखाते फिरो कि ये भगवान ये भगवान ये। अब तुम जब मेरा रूप लेकर के जाओगे तो हर कोई को दिखाओगे, मेरा रूप आप जैसे संत लोग ही देख सकते हैं और सबको मैं सुलभ नहीं हूं। तुम सारखे संत प्रिय मोरे धराओ देह निहान, तुम्हारे जैसे संत ही मुझे देख सकते हैं, सब लोगों की क्षमता नहीं है। नारद जी महाराज ने इतना कहा था उसी समय भक्ति महारानी आ गई और माया से बोली कि मेरा बेटा नारद अभी भगवान नारायण के सामने खड़ा है और तुम नारद की जीव पर बैठ करके क्या उलटपटांग बातें कहलवा रहे हो। भक्ति महारानी ने कहा एक काम करो, थोड़ी देर के लिए तुम उतर जाओ नारद की जीव से और मैं बैठ जाती हूं, मैं केवल एक चौपाई भगवान के सामने कहकर के उतर जाऊंगी, फिर तू लाख बातें कहलवाते रहना नारद से, चल जाना तू नारद के ऊपर। माया के द्वारा गढ़ी गई हजारों भक्तों बातों के ऊपर प्रपंचों के ऊपर भक्ति की एक बात ही काफी होती है। शुभ भक्ति महारानी जी आई तो नारद जी क्या कह रहे थे भक्ति महारानी की पहले की आपने रूप देव प्रभु मोही आन भांति नहीं पाबो ओही। अब भक्ति महारानी जी आके बैठी तो नारद जी क्या बोली भक्ति महारानी जी बागे कि जेही विधि नाथि होए हित मोरा, 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 रहो सुबे गे दास में तोरा, अगर हो सुबे गे दास में तोरा, जेही विधि नाथि होए हित मोरा, जेही विधि नाथि होए हित मोरा। महाराज मेरा कल्याण समायत हो आप जल्दी कर डालो, ये किसने कहा भक्ति महारानी। इसलिए भगवान के सामने चाहे जितनी तुम प्रार्थनाएं करना लेकिन हर स्तुति के बाद में भगवान से ये चौपाई, आप भगवान के पास में जब भी मंदिर में जाते हो तो ये चौपाई रट लो, कोई भी प्रार्थना नहीं आती डजंट मैटर, इस चौपाई को भगवान के सामने कहा करो कि जे ही विधि नाथ हो हित मोरा, करहु सुबेगे दास में तोरा। ये चौपाई कहने से जेहि विधि नाथ महाराज जिसमें मेरा कल्याण हो, जेहि विधि नाथ होए हित मोरा, करहु सुबेग जल्दी कर दो मैं आपका सेवक। इसमें नारद जी ने अपनी भक्ति को प्रकट कर दिया कि मैं कौन सा सेवक हूं, दास से भाव, मैं आपका दासरस का उपासक, और दासरस का मतलब यह हुआ कि मैं आपका सेवक हूं। जय भी दिन